श्री सीताराम। खुशी की बात यह है कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, गणपति जी की सीरीज आएगी और इसके बाद नवरात्रि में जब देवी जी बैठेंगी तो देवी जी की भी सीरीज आएगी। उम्मीद तो मेरे को नहीं थी। अब बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए। अभी क्या है, मेरे पास जो यंत्र हैं जो आप देख पाएंगे क्वालिटी थोड़ी सी कम दिखेगी। जैसे जैसे गणपति जी ऊपर चढ़ेंगे, जैसे जैसे देवी जी करीब आएंगी, वैसे वैसे वीडियो की क्वालिटी और बढ़ती जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि अब इस बार मैं बोल दूँ तो उतनी अच्छी क्वालिटी देखने आपको नहीं मिलेगी। ये मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ, जितना क्वालिटी मैंने दिया हूँ 2 साल पहले। क्यों? क्योंकि मेरे को वैसा रिस्पांस नहीं मिला है जैसा मैं चाहता हूँ। लेकिन अभी जो आप लोग के कमेंट्स आए हैं मेरे बोलने के बाद भी कि मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, उसके बाद भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि बनाओ वीडियो, बनाओ वीडियो, बनाओ। बातें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मैं आपसे बात नहीं करूँगा, सिर्फ इस वीडियो में थोड़ा बहुत दिखा दूँ आपको। अभी मैं खड़ा हूँ बांध तलैया में ताकि आपको समझ में आ जाए कि वीडियोज़ अब आने वाली हैं। कौन तुमसे बोल रहा था बे? कौन बोल रहा था कि रोहित वीडियो नहीं बनाएगा? बनाएगा रोहित वीडियो, बनाएगा। देखिए, ये गणपति जी थे जो कि लास्ट टाइम मैंने दिखाया था आपको। काफ़ी ज़्यादा इनका हाइट भी था, वज़न भी था, 12 क्विंटल के आसपास लगभग इनका वज़न था। सदर में बैठते हैं गणपति जी। इस बार भी लगभग लगभग वैसे ही हैं। अभी पता नहीं, हाइट मैंने पूछा नहीं। अभी वाइट वॉश होगा वाइट वॉश तो हो गया है, कलरिंग का काम होने वाला है 1-2 दिन बाद, दिखाएंगे आपको। बाकी यहाँ पे पूरे गणपति जी का वाइट वॉश हो गया। एक ये मूर्ति है जो काफ़ी सुंदर लग रही है। देखिए, शिव जी हैं सृष्टि के रचयिता और गणपति जी इनकी गोदी में बैठे हुए हैं। और ये क्या है, वीणा है क्या? वीणा तो नहीं है, पूछ के आपको बताऊंगा। काफ़ी खूबसूरत मूर्ति लगेगी ये भी। और देखिए, आप चारों तरफ गणपति जी हैं। एक गणपति जी ये भी हैं। अगर आपको मैं बोलूँ जो सदर वाले गणपति जी हैं इनके जैसे ही हैं ये भी, तो कुछ कम नहीं होगा। बस इनकी थोड़ी सी हाइट आपको कम दिखेगी, बाकी पैटर्न लगभग लगभग वही है। और ये अपनी देवी जी बन रही हैं, बाकी गणपति जी हैं। देखिए, बातें करने को तो बहुत हैं लेकिन क्या है, ऐसे चेहरे दिखा के बात करने में और वैसे गलियों में यहाँ वहाँ से घुस के निकलने में, वैसे बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को। तो क्या है, अभी अपने पास यंत्रों की थोड़ी सी कमी है। जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ेंगे ना, तो यंत्र हमने ऑर्डर किए हैं, जुगाड़ में लगे हैं, यंत्र आ जाएगा तो आपको वैसे भी बात करूँगा तो वैसे भी दिखाऊँगा। ये है जो मैं आपसे बोल रहा था ना, ये वीणा ही है, तो मतलब मैंने सही पहचाना था। और आप यहाँ पे शेर देखेंगे, गणपति जी के साथ शेर, देवी जी का टच मिल रहा है इन गणपति जी को, देखिए आप, है ना। और अगर इनका आप हेड देखेंगे तो देखिए कितना अच्छा इनका टोपी पहने हुए हैं, नेहरू चाचा जी जैसा लग रहा है, हल्का सा बादशाह हलवाई, अगर जैसे बोलते बादशाह हलवाई, मेरे को जबलपुर हलवाई टाइप का पैटर्न आ रहा है गणपति जी का। और काफ़ी खूबसूरत लगता है, ऐसा विजय सोनकर जी बनाए थे पिछली बार, मुझको याद है गणपति जी, लगभग यही पैटर्न था। अब जाऊँगा उनके यहाँ भी तो पता चलेगा, है ना, हलवाई या कुछ तो उनका नाम था गणपति जी का, उस टाइप का इनका पैटर्न है। और ये गणपति जी, इन गणपति जी को देखिए आप, कितनी ज़्यादा हाइट है इनकी। और ये बैठे किन पे हैं आप देखिए, एलिफेंट है ये नीचे में, काफ़ी खूबसूरत हाइट है। ये मैंने पॉलीथीन निकाला हूँ क्योंकि कारीगर लोग काम करते हो, तो देखिए यहाँ पे टांग के रखे थे हाथी के सूंड में। इस हाथी को कितना प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन रोहित ही समझा इस हाथी का दर्द। और गणपति जी जब बनेंगे तो हाइट काफ़ी अच्छी है इनकी। पूछता हूँ भैया से, कितनी हाइट है भैया इन गणपति जी की? 13 फीट हाइट है। कहाँ बैठेंगे ये? सदर। हमारे साथ है विकास भैया इस पंडाल के, थोड़ा मुस्कुराते रहिए आप, रोहित की वीडियो में है। मेरे को आते आते पहचान गए और बोल रहे थे कि तुम इस बार आए नहीं यार। अब मैं क्या बोलूँ, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सच में बोलूँ दुआ है कि मैं आज वीडियो बना। भैया क्या इस बार अलग है गणपति जी में? इस बार काफ़ी काम अलग है, हाँ, पिछले बार से। यानी जैसे ये बन रही है होली चौराहा की मूर्ति है, ये जाएगी करीब 13 फीट की, पिछले बार 17 फीट की थी। पिछली बार तो वाकई बहुत खतरनाक, इस बार साइज छोटा किए हैं, लेकिन इस पर ऊपर भोलेनाथ की एक चेहरा लगाया गया है। अच्छा, तो कब तक इनको ये लोग लेके जाएंगे? ये जाएगी 20 तारीख को। 20 तारीख को ये जाएगी इस बार, यानी लेट लपेट नहीं है, समय पर मूर्तियाँ जाएंगी इस बार। ठीक है। और पिछली बार तो सूखने में भी मूर्ति बहुत, आप बड़ा बड़ा हेलोजन लगाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही थी सूखने में मूर्ति। अभी भी 3-4 दिन से मौसम गड़बड़ करके रखा है तो मूर्ति सूख नहीं रही है। अब हेलोजन वगैरह सुखा के कर लेते हैं काम, लेकिन आज 2 दिन से मौसम खुल रहा है थोड़ा ठीक। हाँ, इस बार गनीमत है, बारिश भी नहीं है। हाँ, बारिश नहीं है, लेकिन लास्ट में पानी जरूर गिरेगा। वो तो गणपति जी में गिरेगा ही गिरेगा। गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही दिल लगा के काम कीजिए। श्री सीताराम। सीताराम। आज जब ये वीडियो शूट हो रही है तो आज है 13 तारीख और 14 तारीख से यहाँ पे वाइट वॉश तो पूरा कंप्लीट हो गया है सारी मूर्तियों में।
14 तारीख से हो जाएगा कलरिंग का काम शुरू। तो देखते हैं अब यहाँ हम कब आते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी और लाइक करिए, इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो का, आएगी सीरीज़ आएगी, टेंशन मत लीजिएगा आप।